अब फिर से सुनो, LDX 300 का मतलब क्या होता है? LDX एक बेसिकली इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें बता रही होती है कि ये इंडेक्स एड्रेसिंग हो रही है। इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या होता है, इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है? हमें जो एड्रेस दिया हुआ होता है ना, हमें उसके अंदर इंडेक्स रजिस्टर पे जो भी वैल्यू होती है वो ऐड करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे देखो, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 2। हम एग्जाम्पल के मुताबिक अगर मैं कराऊँ तो मैं अपनी, तो ये इंडेक्स रजिस्टर पे वैल्यू थी 1, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, LDX 300, अगर LDX 300 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इनिशियल एड्रेस होता है, मुझे इसके अंदर एडिशन करनी पड़ती है। किसकी एडिशन करनी पड़ती है? इंडेक्स रजिस्टर की। मैं कर दूंगा यहाँ पे एड 1, तो ये हो जाएगा 301। ओ 3000 हो गया, ये तो 301। ये जो मेरा कैलकुलेशन के बाद एड्रेस आता है, इसको मैं कहता हूँ अपना फाइनल एड्रेस, न्यू एड्रेस। इस एड्रेस पे मैं जाता हूँ, 301 पे मैं गया, मैंने वैल्यू देखी 30 थी, अक्यूमुलेटर में लोड कर दी। अच्छा, अब अगर मैं अहमद तुमसे कहूँ मुझे ये सॉल्व करके दो, LDX 301 अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आएगी? सर तो IX तो अभी भी 1 ही रहेगा ना, तो हाँ, तो LDX 301 है अब। ये 302 हो जाएगा, तो फिर फिर एक्यूमुलेटर में वैल्यू आएगी 100। बस इतना सा काम है, क्लियर हुआ, जी बेहतरीन हो गया। इसके बाद अगर वो आपसे, अच्छा, हम लोग सिंबॉलिक एड्रेसिंग और आपका रिलेटिव एड्रेसिंग, इन दोनों को जो भी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे उसके अंदर मैं एक काम करूंगा, सारी एड्रेसिंग के ना एक एक सवाल आप लोगों को करवा दूं, ताकि आप लोगों को सबका एक वो हो जाए कि आइडिया हो जाए कि सवाल कैसे आते हैं, और तकरीबन सारे सवाल सेम ही होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सिंबॉलिक और रिलेटिव जो है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन उसके अंदर, जो हम कल 5 बजे की क्लास रखेंगे उसमें हम लोग सिंबॉलिक एंड रिलेटिव कवर कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम लोगों ने देखनी है। अच्छा जी, कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं कि एब्सोल्यूट एड्रेसिंग क्या होती है, सिंबॉलिक एड्रेसिंग क्या होती है, रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, उसको अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ स्किप। हम बात करते हैं अब इंस्ट्रक्शंस की, थोड़ी और इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर और मैं इसमें अब टाइम ज़ाया नहीं करूँगा नोट डाउन करने में, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, पहली चीज़, आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, सही है। मतलब अगर आप भूल जाएं कि भाई LDX पे मुझे क्या करना है, तो अगर हम ये सवाल देखते हैं तो ये देखो, ये तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो तुम लोगों को देता है पहले से। यहाँ पे अगर गौर से देखो तो जैसे ये सवाल है तो इसके अंदर तुम लोगों को बताया हुआ है, एक एक चीज तुम्हें बताई भी होती है, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए इसको तकरीबन याद करके जाते हैं। LDD एड्रेस, LDX एड्रेस, LDRN, स्टोर, ADD, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपेयर, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी हुई होती हैं। आप बस यहाँ से अगर इसको गौर से पढ़ो, ऐड ऐड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर, इसको पढ़ के भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। ऐड के सामने क्या दिया हुआ है? एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पे जाओगे और उनको ऐड कर दोगे। कंपेयर देख लो, जो भी एड्रेस उसके सामने दिया हुआ है उसको उसके ऊपर जो वैल्यूज हैं, उस एड्रेस पे जो वैल्यूज हैं और अक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम फिर भी इसको एक नज़र मार लेते हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस को जितने भी है ना, अगर कुछ समझना है तो उसको अभी समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है स्टोर की, ये लिखा होगा आपको STO करके, और उसके सामने लिखा होगा एड्रेस, सही है। अब ये एड्रेस जो है ये लेबल फॉर्म में भी हो सकता है, अगर सिंबॉलिक एड्रेसिंग होती होगी तो ये आपका लेबल के अंदर भी हो सकता है, मतलब स्टोर वैल्यू, स्टोर काउंट, ऐसे करके आप लोगों को लेबल के नाम भी दिए हुए होंगे। अगर एड्रेस होगा तो यहाँ पे लिखा होगा Store 301, तो जो भी कंटेंट अक्यूमुलेटर के अंदर होगा, सपोज करो अक्यूमुलेटर के अंदर मेरे पास वैल्यू है 30, ACC के अंदर वैल्यू है 30, और मेमोरी लोकेशन 301 पे एम्प्टी पड़ी है मेरे पास, मेमोरी लोकेशन 301 पे मैंने लिखा STO 301, तो क्या होगा, ये 30 जो है अक्यूमुलेटर में वो स्टोर हो जाएगा मेरा 301 पे जाके। कोई इश्यू स्टोर के अंदर?
आप लोगों को जो भी एड्रेस दिया हुआ होगा इसको पढ़ लो, स्टोर द कॉन्टेंट ऑफ अक्यूमुलेटर एट द गिवन एड्रेस, मतलब जो भी अक्यूमुलेटर के अंदर कॉन्टेंट हो उसको, जो भी एड्रेस आप लोगों को स्टोर के साथ दिया हुआ होगा उस पर आप जाके स्टोर कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऐड की इंस्ट्रक्शन पे। ऐड के बाद आप लोगों को वैल्यू भी दी हुई होगी, अगर दी हुई होगी तो आप इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ लीजिएगा, वो हैश टैग के साथ आप लोगों को वैल्यू दी हुई होगी, #40 #2 करके, तो वो आप लोग को एड्रेस नहीं है बेसिकली, वो क्या है वैल्यू, आप बस डायरेक्ट उसको ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर वो उसने इंस्ट्रक्शन सेट में स्पेसिफाई किया हुआ है कि ऐड के बाद एड्रेस है, तो आप क्या करेंगे, जो भी उस एड्रेस पे जाएंगे, उस एड्रेस पे जैसे सपोज करो 301, 301 पे स्टोर हुआ हुआ था 30 और मेरे अक्यूमुलेटर में वैल्यू है 30, सही है। अब मैंने लिखा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन EDD301, तो अब क्या होगा, मैं 301 पे जाऊंगा, 301 पे जाके मैं देखूंगा जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसको अक्यूमुलेटर में ऐड कर दूंगा, तो मेरे अक्यूमुलेटर में क्या आंसर आ गया 60। कोई मसला ADD में, ऐड के अंदर कोई मसला? इमाद कोई इशू? अली वाजिद कोई इशू? अहमद? नहीं सर, ये समझ याद करने नहीं, ये सब याद सब पता होना चाहिए, ऐसे कुछ इसमें है नहीं, कोई मुश्किल चीज तुम्हें दी भी होगी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। अच्छा अब बात करते हैं INC। INC बेसिकली क्या होता है, एक समझ लो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, बस एक वैल्यू उसको बढ़ा देना। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है आपका, सपोज कर लेते हैं हम लोग ACC में वैल्यू पड़ी हुई है मेरी 30, सही है, और मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है इंक्रीमेंट ACC, सही है, तो इससे क्या होगा, मेरी जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है वो हो जाएगी +1, 31। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि इंडेक्स रजिस्टर की बात करते हैं, इंडेक्स रजिस्टर पे मेरे पास वैल्यू स्टोर हुई हुई थी 2, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, इंडेक्स रजिस्टर पे वैल्यू स्टोर हुई हुई थी 2, मैंने लिखा यहां पे इंस्ट्रक्शन लिखी अपनी एक INC IX, सही है, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर्स के नाम लिखते हैं, ACC रजिस्टर है, IX रजिस्टर है, तो इसके अंदर क्या होगा 2 + 1, IX के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई 3। कोई मसला किसी को? चलो सही है। अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं DEC की। जैसे INC के अंदर हम लोग +1 कर रहे हैं, वैसे ही DEC के अंदर हम लोग क्या करेंगे, DEC के अंदर अगर मेरा एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू 30 है, अच्छा अगर मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू 30 है, मैंने लिखा DEC ACC, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग क्या करें एक सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 30 - 1 हो जाएगा और वैल्यू स्टोर हो जाएगी 29। कोई इश्यू? ऐसे ही मैं इंडेक्स रजिस्टर के साथ कर सकता हूँ। सही है, ये हो गया हमारा ADD हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, DEC हो गया। अब कंपेयर की बात करते हैं, CMP क्या है इसको याद कर लो कंपेयर से। अच्छा इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ होगा एड्रेस, सपोज करते हैं ये मेरा 301 लोकेशन है, इस पे डेटा है 30 और मेरे अक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है 30, सही है। अब मैंने लिखा इंस्ट्रक्शन लिखी CMP 30, ओ सॉरी 3 CMP 301, ये मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी।
अब बेसिकली होगा क्या, सीएमपी जो है वो हमने हमें दो चीजें देता है, क्या देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्या चीजें देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। अच्छा, CMP 301 का मतलब क्या होता है? 301 क्या है, हमारे पास एड्रेस है, हम जाएंगे 301 पे, उसके अंदर वैल्यू होगी 30। हम चेक करेंगे क्या 30 हमारे अक्यूमुलेटर की वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर हम देखें अभी फिलहाल तो 30 इज इक्वल्स टू 30 है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। कोई मसला किसी को? ये आंसर जो है ये डिस्प्ले नहीं होता है। PMP तक किसी को कोई इशू? सही सही, सर, ठीक CMP एक और बार एक्सप्लेन कर दें। है। अच्छा, अब मैं इसके ना फॉल्स वाली स्टेटमेंट आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अच्छा, सपोज करो कि हमारे 301 एक मेमोरी लोकेशन है, उस पर डेटा स्टोर हुआ हुआ है 30, सही है, और हमारे अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है 40। मेमोरी लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर हुआ हुआ है, 301 पे डेटा है 30, अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है 40। कंपेयर जो है, सीएमपी क्या है, बेसिकली कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। हम लोगों ने देखना है कि कंपेयर करेंगे क्या अक्यूमुलेटर की वैल्यू उस वैल्यू के बराबर है जो 301 के अंदर है। इस कंडीशन में, इस इंस्ट्रक्शन पे अगर मैं लिखता हूँ CMP 301, तो इससे होगा क्या, ये कंपेयर करेगा 301 पे जो वैल्यू है, 301 पे क्या वैल्यू है 30, ये कंपेयर करेगा किससे, जो अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है। आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब क्लियर हुआ हाशिम? या एक और दफा? हो गया। बेहतरीन। अच्छा, ये तुम लोगों को कंपेयर की इंस्ट्रक्शन जो है, ये तुम लोगों को कभी अलग से नहीं मिलती, ये हमेशा तुम लोगों को मिलेगी JPE और JPN या JMP, सॉरी JPE और JPN के साथ मिलेगी, और किसी अलग से तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। या ये पॉसिबिलिटी अगर वो कहें कि आप अपना असेंबली का जो कोड है वो खुद रोक दें अगर कंपेयर ट्रू हो जाए, सही है, तो आप लोग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जैसे ही कंपेयर ट्रू होगा आप लोग खुद रुक जाएंगे उसका करना। लेकिन ज्यादातर ये होता है JPE और JPN के साथ। अच्छा, अब स्टडी करते हैं JPE। JPE समझ लो आप लोगों का एक जंपिंग हो रही होती है। क्या मतलब, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट दिखाता हूँ, क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे अगर गौर से देखो JMP 21, इसको यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। JMP 21 का मतलब क्या है? अभी हम लोग JMP समझ रहे हैं। JMP का मतलब होता है, अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा, आप लोग नीचे आएंगे, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन सेट में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ मतलब आप, सॉरी, यहाँ से एक कटा हुआ है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ था तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, एड इंस्ट्रक्शन सेट। अच्छा, यहाँ से ये कटा हुआ है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी JMP करके, सही है। हम लोग एक काम करते हैं, अपने नोट से इसको समझते हैं जल्दी से। JMP का JMP एड्रेस, सही है। JMP एड्रेस क्या मतलब है? जंप टू द गिवन एड्रेस, कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने जंप लगा देनी है उस गिवन एड्रेस पे। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन, वापस आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है JMP 21, मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा, ये सारे एड्रेस है मेरे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारे एड्रेस है। JMP 21 कह रहा है क्या मतलब, मैं वापस से चला जाऊंगा 21 पे और फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा अपनी इंस्ट्रक्शन करना ऊपर से, फिर नीचे आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर करता रहूंगा, फिर करता रहूंगा, फिर देखूंगा JMP 21, फिर वापस ऊपर जाऊंगा। समझ आ रही है JMP 21? समझ आ रहा है सबको? JMP नॉर्मल जंप है, कोई कंडीशन नहीं होती उसके अंदर, इस चीज को याद रखो। JMP मतलब नॉर्मल जंप है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, बस हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप कर देंगे। क्वेश्चन
कोई सवाल? जो भी एड्रेस दिया हुआ उस पे जाके वापस से अपनी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेपीई की, सही है? हाँ, डिपेंड करता है कोर्ट पे अलिवाजित, ये डिपेंड करेगा कोर्ट पे। सॉरी इमाद, जेएमपी 21 डिपेंड करता है आपके कोर्ट के ऊपर। देखो मैं जब ये तुम लोग को जेपीई समझाऊंगा ना, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्या सीन है इसका। अच्छा, जेपीई जो है ये बेसिकली डिपेंडेंट होता है, जेपीई एंड जेपीएन ये दोनों जो है ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे? कंपेयर के ऊपर। अच्छा सही है अली वाजिद, मैं फिर से करा देता हूँ। जेएमपी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जेएमपी एड्रेस जंप टू द गिवन एड्रेस, क्या मतलब हुआ इसका? जल्दी आओ, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है जम 21। जम 21 का मतलब क्या है? जेएमपी 21 का मतलब क्या है? मैं सारी इंस्ट्रक्शन स्किप करके वापस से जंप लगा दूंगा 21 इंस्ट्रक्शन पे। ये सारे एड्रेस दिए हुए होते हैं आपको, वापस से मैं जंप लगा दूंगा किस पे? 21 इंस्ट्रक्शन पे, और फिर यहां से सारा इंस्ट्रक्शन मैं फिर से करना स्टार्ट कर दूंगा। समझ आई? अब क्लियर है अली वाचन, जम 21 का मतलब क्या है? जेएमपी के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, बस डायरेक्ट जंप करनी होती है आपको, सही है? अब बात करते हैं हम लोग जेपीई की, सही है? जेपीई जो है ये हमेशा आप लोगों को सीएमपी से बाद में मिलेगी। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो, इसके अंदर भी सीएमपी पहले है, उसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने? जेपीई दिया हुआ है। सीएमपी पहले फिर उसके बाद जेपीई क्यों दिया हुआ है? जल्दी से देखते हैं। अगर हमारा ये कंपेयर ट्रू होता है तो हम इस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोसेस करते हैं। अगर हमारा कंपेयर फॉल्स होता है तो हम जेपीई को इग्नोर कर देंगे। क्या मतलब हुआ? आओ जी, कंपेयर 97 आया, सपोज करते हैं, सिर्फ सपोज करते हैं, अक्यूमुलेटर के अंदर अभी फिलहाल वैल्यू है आपकी 96, सही है? हम आए कंपेयर 47 पे, कंपेयर 47 सॉरी कंपेयर 97 पे, हम लोगों ने कंपेयर किया 97 को, क्या ये हमारे अक्यूमुलेटर से मैच कर रहा है? क्या 97 बराबर है 96 के? आंसर आया फॉल्स। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, 97 is equals to 96 पे आंसर आया फॉल्स। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जेपीई पर आएंगे, आना तो हमें जेपीई पे चाहिए, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो थ्रू नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती हम इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस नहीं कर सकते। हम लोग डायरेक्ट मूव हो जाएंगे एलडीएक्स, फिर कंपेयर करेंगे, फिर जेपीएन करेंगे। जेपीएन का मैं समझा रहा हूँ अभी, सिर्फ मुझे जेपीई का बताओ कि कोई मसला है इसमें? अगर आप लोगों की कंडीशन ट्रू हो तो आप लोग जम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जेपीई के अंदर कंडीशन होती है, कोई मसला? जैसे ही कंडीशन सपोज करो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अक्यूमुलेटर के अंदर सपोज कर लेते हैं 97 वैल्यू आ गई, 97 बराबर हो गया 97 के, मतलब ये हो गया ट्रू। जैसे ही ये ट्रू होगा हम लोग जेपीई 32 कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग 32 पे जंप करेंगे और हमारा कोड जो है वो एंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो एंड हो जाएगा कोड, सही है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों के पास है जेपीएन। जेपीएन की अगर हम बात करते हैं, हाँ, बीच में जितना भी है सब कुछ स्किप हो जाएगा, इसलिए देखो वो बार बार जम 21 करवा रहा था ना, वरना तो ये तो एक इन्फिनिटी लूप में फंस जाते, इन्फिनिट लूप में फंस जाते, बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन हम लोग बार बार करे जाते। तो उसको हम लोगों को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? जेएमपी 21 किया, वो ऊपर आया, उसने कंपेयर किया, अगर ट्रू हो गया तो वो डायरेक्ट जम कर देगा एंड पे और आपका कोड जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होना खत्म। क्लियर है इमाद?
अब बात करते हैं हम लोग जेपीएन की। जेपीई हम लोगों ने समझ लिया, जेपीएन क्या है, बिल्कुल सेम चीज, कोई भी ऐसा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, बस एक चीज का फर्क है, जहां वो कंडीशन ट्रू होने पे जंप कर रहा था, जेपीएन जो है वो कंडीशन फॉल्स होने पे जंप करेगा। सही है, यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा आपका सवाल, इसी सवाल के अंदर मौजूद है जेपीएन भी। तो ये मैंने 97 इज इक्वल टू 97 डायरेक्ट किए, बस आप लोग इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा। एड्रेस पे जाके आप लोगों ने मेमोरी लोकेशन पे जाना है नीचे, और यहाँ से आपने वैल्यू उठानी है 97 की, क्योंकि सीएमपी के साथ जो है वो एड्रेस दिया होता है। सही है, उसके मेरे ख्याल से अभी इशू नहीं, कोई ऐसा कल जब सवाल करेंगे तो डिटेल में समझ आ जाएगा उसको। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जेपीएन की। यहाँ पे देखो कंपेयर 98, 98 पे क्या वैल्यू है, 453। 453 को मैं कंपेयर करूंगा अपने अक्यूमुलेटर से, अक्यूमुलेटर से मैंने कंपेयर किया इसको, अक्यूमुलेटर में अगर मेरे आ गया 454 कर लेते हैं तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है जेपीएन जो है वो प्रोसेस हो जाएगी, डायरेक्ट मैं जंप कर दूंगा 27 पे। कोई इश्यू? पर अगर वो ट्रू हो जाती अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इस वाली कंडीशन को स्किप कर देगा, जेपीएन को स्किप करेगा और आउट कर देगा। आउट का मतलब मैं अभी समझा रहा हूँ, क्लियर है? अच्छा, अब हम सीखते हैं आउट। आउट क्या होता है, बेसिकली आउट को याद रखो तुम लोग आउटपुट से, आउट को याद रखो आउटपुट से। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आओ देखते हैं। सपोज करो अक्यूमुलेटर के अंदर मेरे पास वैल्यू है 453। सही है, हम लोग से सपोज कर रहे हैं हमारे अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है 453। अब वो कह रहा है आउट, आउट का मतलब यह है अक्यूमुलेटर पे जो भी वैल्यू हो तुम उसका देखो जाके एएसकी कोड 453 पे, उसका जो करेक्टर होगा उसको हम लोग आउट कर देंगे। बेसिकली आप लोगों की जो वैल्यू है अब एंड आ जाएगी, आपकी स्क्रीन पे वो आउटपुट शो कर देगा लेकिन करेक्टर शो करता है, कभी भी एस की कोड शो नहीं करता। यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है ना, इधर तुम लोग लिख दोगे एंड, ऐसे कहीं भी जहां पे भी वो इंस्ट्रक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पे तुम लोग एंड का साइन बना दोगे। अगर सपोज करो कि तुम लोगों के पास एस की कोड आ रहा है 451 और वो कह रहा है आउट, आउट में तुम लोग क्या शो करोगे, अब लेस देन का साइन। सही है, आउट की कंडीशन सबको क्लियर है, इंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? आउट क्लियर है सबको? इमाद, अहमद, जी सर। अच्छा अब बात करते हैं एंड। एंड क्या है, मतलब आपके असेंबली कोड जो है वो एंड हो चुका है, इसके बाद अब आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहां तक सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अगर कोई और नई इंस्ट्रक्शन मिलती है, एलडीआर, कोई ऐसे भी कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलती है आपको, वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन सेट में प्रोवाइडेड होगी, आप उधर से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने नहीं की, तो पहली बात ये हो गई। इसके बाद आप लोगों का एक थ्योरी का सवाल आता है सिम्बॉलिक एड्रेसिंग से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ तक कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं इन सबको हम लोग कल इस्तेमाल करेंगे, मतलब जितने भी ये पास पेपर्स हैं इनमें से मैं कुछ सवाल निकाल लूंगा जो जो मुश्किल सवाल होंगे, ताकि हम उसको एक सिंबॉलिक का, एक रिलेटिव का और एक बाकी सारे जो आपका इमीजिएट इंडेक्स वाली एड्रेसिंग जितनी भी है, ताकि आप लोगों का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सब रिवाइज हो जाए। और जल्दी से इस सवाल को देख लेते हैं, और वन पास असेंबलर और टू पास असेंबलर में तुम लोग को जल्दी से समझा दूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। अच्छा जी, सिंबॉलिक एड्रेसिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप लोगों के पास एक सिंबल टेबल होती है। सिंबल टेबल के अंदर आप लोगों के पास दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें, एक है आप लोगों की सिंबॉलिक एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस। जल्दी से समझते हैं सिंबॉलिक एड्रेस क्या होता है। कोई भी हम लोग एड्रेस को एक लेबल दे देते हैं, सपोज करो ये एक मेमोरी लोकेशन है 301 और इस पर डेटा पड़ा हुआ है 30, और इस पूरी लोकेशन को मैंने एक नाम दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं ए, ए बी नाम दे देते हैं इसको।
ए भी जो है वो मेरा एक तरीके से लेबल की तरह काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे ए भी लिख रहा हूँ तो उसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, 30। तो ये इसको मैं कहता हूँ सिंबॉलिक एड्रेस, और इसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, जो 301 है, इसको मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट एड्रेस। कोई मसला यहाँ पे सिंबल टेबल के अंदर किसी को कोई मसला? सही है, सिंबॉलिक एड्रेस क्या होता है, जो भी आपका लेबल होगा, और एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा आपका, वो जो आपका जो बेसिकली जो लेबल है वो किसी एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हम लोगों का एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। अच्छा, अब सवाल ये है आप लोगों का कि ये जो एंट्रीज हैं सिंबल सिंबॉलिक एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस, ये आपका जो असेंबलर है वो कैसे करता है? जल्दी से इसको देख लो एक नज़र, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द असेंबलर स्कैन्स द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। जो भी आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसको एक सीक्वेंस में, हमेशा ऊपर से नीचे उसको एक सीक्वेंस में उसको रीड करेगा, स्कैन करेगा। जब भी उसको कोई एक सिंबॉलिक एड्रेस मिलेगा वो पहले चेक करेगा आपका आके सिंबल टेबल में, क्या वो सिंबॉलिक एड्रेस आपका इस सिंबल टेबल के अंदर मौजूद है या नहीं। सबसे पहला काम उसने ये करना होता है कि जो भी उसको सिंबल मिलता है वो पहले जाके चेक करता है कि वो उस सिंबल टेबल के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं होता तो वो उसको ऐड कर देता है। कहाँ पे ऐड करेगा, सिंबॉलिक एड्रेस पे ऐड करता है। ऐड करने के बाद उसको और क्या चाहिए, उसका एब्सोल्यूट एड्रेस चाहिए। अब वो क्या करता है, चेक करता है कि वो एब्सोल्यूट एड्रेस उसका मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं होता तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस उसका ढूंढता है। अगर उसको एब्सोल्यूट एड्रेस मिल जाता है तो वो उसका एब्सोल्यूट एड्रेस उसी के अप्रोप्रिएट जगह पे लिख देता है, और अगर उसको एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं मिलता तो वो क्या लिखता है, अननोन। कोई इशू, फिर से समझाऊं उसको? इमाद फिर से समझाऊं? हाशिम, बेहतरीन, अब्दुल अशफाक, क्लियर है? अब बात करते हैं वन पास असेंबलर और टू पास असेंबलर की। अच्छा, वन पास असेंबलर क्या होता है, बेसिकली आप लोगों का जो भी कोड होगा, आप लोगों ने जो भी कोड लिखा है, LDX, LDI, LDM, जो भी कोड लिखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उस सबको वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, और उसको वो डायरेक्ट लोड कर देता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। सही है, फिर से सुन लो, वन पास असेंबलर क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी आप लोग का कोड होगा उसको वो डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स कोड, जो भी आपका सोर्स कोड होगा उसको वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, और इसको वो लोड कर देगा आपका मेमोरी के अंदर, यहाँ पे भी प्रोसेसिंग हो रही होगी। अच्छा, टू पास असेंबलर क्या होता है, वो आप लोगों का दो दफा कोड को स्कैन करता है। अच्छा, अब सपोज करो यहाँ पे मैंने लेबल्स दिए हुए हैं, सिंबल एक लेबल है, सिंबल एक है, ए एक है, बी। सबसे पहले वो क्या करता है, एक दफा स्कैन करता है जहां पे वो सारे लेबल्स को एक नजर देखता है, फिर दूसरी दफा जब स्कैन करता है उन लेबल्स को कन्वर्ट करता है वो एब्सोल्यूट एड्रेस में। जब वो एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है उसको फिर जाके वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और उसको फिर मेमोरी के अंदर प्रोसेस करवाता है। टू प्रेस, आप लोग एक काम करें, टू पास जल्दी से पढ़ लें, नीड टू स्कैन द सोर्स प्रोग्राम ट्वाइस सो दे कैन रिप्लेस द लेबल्स इन द असेंबली प्रोग्राम विद मेमोरी एड्रेस इन द मशीन कोड प्रोग्राम। कोई मसला? अच्छा, अब आप लोगों का यहाँ तक जो है या आप लोगों का असेंबली लैंग्वेज खत्म हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। अब बस इसकी मुझे प्रैक्टिस करवानी, किसकी, रिलेटिव एड्रेसिंग की, सिंबॉलिक एड्रेसिंग की, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि बिट मैनिपुलेशन में इसके सवाल भरे पड़े तो हम उसमें से कर लेंगे, लेकिन रिलेटिव एड्रेसिंग की मुझे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों की। किसी को कोई मसला पूरे असेंबली लैंग्वेज के चैप्टर के अंदर? सर,
ठीक है, फिर हम लोग एक काम करते हैं, इमाद का भी आ गया सही। अब जो है कल की जो क्लास होगी मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा, उस पे हम लोग इसके पास पेपर के सवाल कर लेंगे ताकि आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैं आप लोगों के इसके पास पेपर, अगर आप लोगों के पास हैं तो बेहतरीन है, वरना मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, उसी से आप लोग सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा। सेट है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से। कल सर ट्यूसडे या वेंसडे? कल ट्यूसडे, इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरा प्लान बना के भेज दिया सही, इसलिए फिर वो नाइन्थ मुहर्रम आ जाएगी, इसलिए मैंने ट्यूसडे को कर दिया क्लास। अल्लाह सेट है, हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। चलो जी।